नमस्ते एंड वेलकम, मैं हूं तिशे और मैं हूं नशप्रीत एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड, योर वन स्टॉप शॉप टू बॉलीवुड गॉसिप। तिशे, आज मैं टॉप स्टोरी देने के मूड में नहीं, सुनने के मूड में हूं, तो बताओ क्या लाए हो। अच्छा, ऐसा बोलो ना कि मेरी गॉसिप और स्टोरीज तुम्हारी अपडेट से ज्यादा हैपनिंग है। व्हाटएवर, सो एनीवे, व्हाट्स इंटरेस्टिंग? वेल, मेरा गॉसिप बैंक हमेशा फुल रहता है और आज मैं एक ऐसे बॉलीवुड कपल की न्यूज लाया हूँ जिन्होंने मीडिया को घंटों तक वेट करवाया एंड दे जस्ट रिफ्यूज टू फेस द कैमरास। वेल, इतना सरप्राइजिंग नहीं है, आजकल सारे स्टार्स कितने प्राइसी हो गए ना। वेल, तुम हमारी अगली टॉप स्टोरी देखो, उसमें तुम ज्यादा सरप्राइज हो जाओगी। हैव अ लुक। पूरी दुनिया के सामने दीपिका को प्रपोज करते रणवीर सिंह। सबके सामने दीपिका के लिए अपना अफेक्शन दिखाते रणवीर सिंह। और तो और, पब्लिक प्लेस में दीपिका के साथ कोजी होते रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने भले ही ऑफिशियली दीपिका के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पब्लिक इवेंट्स पर दीपिका को लेकर उनके जज्बात सबको दिखी जाते हैं। लेकिन रिसेंटली एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रायर कमिटमेंट के बावजूद रणवीर ने सरप्राइजिंगली दीपिका के साथ मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। जी हाँ, फिल्म मसान की स्क्रीनिंग पर मीडिया को ये कहकर बुलाया गया था कि यहाँ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ आने वाले हैं। ऐसे में जब स्क्रीनिंग के शुरू होने के बाद मीडिया ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर से दीपिका और रणवीर के ना पहुँचने को लेकर सवाल पूछा, तो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर सभी सरप्राइज रह गए। दरअसल रणवीर दीपिका इस स्क्रीनिंग पर पिछले गेट से पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने ऑर्गेनाइजर से साफ कह दिया था कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। और तो और, हद तब हो गई जब स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद सारे स्टार्स इस प्रीव्यू थिएटर से चले गए और रणवीर दीपिका थिएटर में रुककर इस बात का इंतजार करते रहे कि मीडिया वहां से चली जाए। वेल, दीपिका और रणवीर सिंह अचानक मीडिया से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन दोनों स्टार्स ने मीडिया को चकमा देने के लिए जितनी मेहनत की है उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये दोनों स्टार्स कोई बड़ी चीज छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। फहार देखता ना, जूम मुंबई। तिशे, गेस हु इज सोनम कपूर्स न्यू 4 AM फ्रेंड? Ah, the whole world knows about it. It's Jacqueline Fernandez. No, ये तो पुरानी न्यूज़ है यार. There has been an addition in the list. Sonam Kapoor's new buddy? That sounds interesting. Tell me who is it, jaldi. Well, naam to main story mein reveal karungi, but I hear they party all night long. Planet Bollywood. B-Town में कब किसकी दोस्ती टूट जाए और कब परवान चढ़ जाए ये कोई नहीं जानता। और अब जूम आपको ऐसी ही एक नई दोस्ती की दास्तान सुनाने जा रहा है जो दिनों दिन होती जा रही है गहरी। जूम ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कैसे सोनम कपूर और आदित्य रॉय कपूर बन गए हैं बॉलीवुड के न्यू हैंगआउट बडी। और अब जूम को सोर्सेस से पता चला है कि ये स्टार्स एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं। पहले आदित्य और सोनम एक साथ लेट नाइट पार्टीज किया करते थे, लेकिन अब इनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि सोनम आदित्य के बांद्रा रेसिडेंस पर भी कंफर्टेबल फील करती हैं। सोर्सेस के मुताबिक सोनम और आदित्य को मुंबई के एक नाइट क्लब में लेट नाइट पार्टी करते हुए देखा गया था, जिसके बाद सोनम आदित्य के साथ उनके बांद्रा रेसिडेंस पर चली गई थी, जहां इन स्टार्स ने काफी समय साथ में स्पेंड किया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आदित्य किसी एक्ट्रेस के इतने क्लोज फ्रेंड बने हो। श्रद्धा कपूर के साथ आदित्य की दोस्ती भी खबरों में रह चुकी है, लेकिन आज जहां एक तरफ श्रद्धा को उनका नया खास दोस्त मिल गया है, वहीं आदित्य को सोनम जैसी क्लोज फ्रेंड मिल गई है। फहार देखता ना, जूम मुंबई। रणबीर कटरीना के बारे में फ्रेश गॉसिप लेके आया हूं, सुनोगी? आई नो अबाउट द रिंग रणबीर गेव कटरीना, और वो एंगेजमेंट रिंग नहीं है तिशे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे एक अंदर के खबरी ने मुझे बताया दैट रणबीर इज गेटिंग रियली पजेसिव अबाउट कटरीना एंड ही हैज आस्क्ड हर नॉट टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर एक्टर। रियली? और कटरीना मान गई? वेल, आई गेस इसी वजह से कटरीना वोंट बी एबल टू डू द फिल्म, व्हिच इज क्वाइट सैड। आई स्टिल कांट बिलीव दिस। कटरीना कैफ नहीं होंगी बैंग बैंग की सीक्वल का हिस्सा।
ऋतिक ने नहीं जताया है कैट के नाम पर एतराज। कैट को भी नहीं है ऋतिक के साथ काम करने में कोई परेशानी, तो फिर क्यों नहीं होगी कैट इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में? और इन सब सवालों का है एक जवाब, रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर। सूत्रों के मुताबिक रणबीर कपूर नहीं चाहते कि कटरीना बैंग बैंग के सीक्वल में करे काम। दरअसल रणबीर आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो गए हैं काफी पर्टिकुलर, खासकर कटरीना को लेकर तो वो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो गए हैं। जिस तरह से ऋतिक के साथ कटरीना की ऑन स्क्रीन जोड़ी जमती है, उसने भी कहीं ना कहीं रणबीर को कर दिया है बेचैन। शायद इसीलिए रणबीर कटरीना के ऋतिक के साथ काम करने के फेवर में नहीं है, और रणबीर की इसी पोजेसिवनेस के चलते ही कैट को कहना पड़ सकता है नो टू बैंग बैंग सीक्वल। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। यू नो, अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम का फर्स्ट फैन कौन है? अभिषेक की डॉटर आराध्या। By the way, how old is she? Well, she is around 3 years old, but no, it's not Aradhya, but you are quite close. It is Amir Khan's son, Azad, and you have to watch the next story. Bahut cute hai yaar. Planet Bollywood. हर साल की तरह इस साल भी अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को मिला है बॉलीवुड का काफी सपोर्ट। बच्चन फैमिली के अलावा इस साल इस टीम को मिला एक सबसे छोटा सपोर्टर। फिर हम बात कर रहे हैं आमिर खान के बेटे आजाद की, जिसके बारे में अभिषेक ने एक्सक्लूसिवली हमसे बात की। आमिर वाज वेरी स्वीट, नॉट ओनली डिड ही कम, ही ब्रॉट आजाद हु इज एक्चुअली द पिंक पैंथर्स फर्स्ट फैन। So yeah, a little unknown trivia that whenever we design a new kit, the first ever kit that comes out of that machine is always for Azad. यहाँ अभिषेक ने हमें ये भी बताया कि क्यों अब तक सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान नहीं दिखे हैं supporting the team. Shahrukh, unfortunately, I spoke to him. He's in Bulgaria filming, so he couldn't come. And Sachin is holidaying with his family in England. Well, we hope कि last year की तरह अभिषेक इस साल भी आपके लिए lucky हो and you take away the cup. For Rudrani Chaturaj, Zoom Mumbai. Nash, do you know Aditya Roy Kapoor? क्योंकि तुम ही I know him, I know. He is so cute. पर I guess तुम कुछ और बोलने वाले थे ना? Thanks, huh? What about him? मैं ये बता रहा था कि Aditya Roy Kapoor धर्मा और YRF की फिल्म रिफ्यूज कर रहे हैं। Really? Why is he doing that? You need to watch the next story. Yeah. क्या बात है यार? Planet Bollywood. आशिकी 2 से एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले आदित्य रॉय कपूर अब नहीं करना चाहते हैं कोई भी रोमांटिक फिल्म। दरअसल आदित्य के पास इन दिनों काफी रोमांटिक फिल्म्स के ऑफर ही आ रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफर्स भी शामिल हैं। लेकिन सोर्सेज की माने तो आदित्य ने इन ऑफर्स को कर दिया है ना। खबरों की माने तो आदित्य लगभग 4 फिल्म्स को इसीलिए रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो रोमांटिक थी। कहा जा रहा है कि आदित्य को इंतजार है एक ऐसी थ्रिलर फिल्म के ऑफर का, और वो अपने रोल में वैरायटी लाने के लिए एक थ्रिलर करना चाहते हैं। वेल, आदित्य थ्रिलर तक तो ठीक है, लेकिन जिस इमेज की वजह से लोगों ने आपको पसंद किया, उस तरह की फिल्म्स को न करने का फैसला कहीं आप पर भी भारी न पड़ जाए। हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। तुम्हें शिल्पा शेट्टी पसंद है या अनुष्का शर्मा? मुझे दोनों पसंद है यार, ये भी कोई पूछने की बात है। Especially शिल्पा's nose and अनुष्का's lips. तुम कभी सीरियसली आंसर क्यों नहीं देते हो? मैं सीरियस था यार, बट एनीवे, नैश, फॉरगेट, मुझे क्या पसंद है। द लेटेस्ट आई हैव हर्ड अबाउट देम इज दैट अनुष्का हैज रिप्लेस्ड शिल्पा। अब बताओ, ये इंटरेस्टिंग है ना? सिर्फ नॉट करोगी, स्टोरी देखो। अपने डांस रियलिटी शो से रिप्लेस होने के बाद अब शिल्पा शेट्टी को एक और एक्ट्रेस ने कर दिया है रिप्लेस इन द ब्रांड वर्ल्ड। दरअसल हम बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की, जिसने शिल्पा को रिप्लेस किया है एज द फेस ऑफ अ लीडिंग हेयर केयर ब्रांड, जिसे पहले शिल्पा एंडोर्स करती थी। इतना ही नहीं, पर सोर्सेज की माने तो अनुष्का को इस डील के लिए काफी हेफ्टी सम भी ऑफर हुआ है। बट लुक्स लाइक बॉम्बे वेलवेट के बॉक्स ऑफिस फेलियर ने अनुष्का की ब्रांड वैल्यू को इफेक्ट नहीं किया है। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Yaar, I am so glad ki Bajrangi Bhaijaan South film ki remake nahi thi. Well, Tisha, I don't want to break your heart, but it was inspired from a South film. What nonsense? Tumse kisne kaha? Bajrangi Bhaijaan ke writer ne. Really? Main nahi manta. Dikhao mujhe kahan ka hai. Story dekh lo, usme sab hai. Ab, well, inspiration is fine. Dekho, main to sirf remake ki baat kar raha tha.
सलमान खान की बजरंगी भाईजान नहीं है ओरिजिनल। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली बजरंगी भाईजान है इंस्पायर्ड एक टॉलीवुड मूवी से। ये हम नहीं कह रहे बल्कि फिल्म के राइटर केवीवी प्रसाद ने एक ऑनेस्ट कन्फेशन किया है। जी हाँ, द राइटर सेज दैट बजरंगी भाईजान इज नॉट एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट बट इंस्पायर्ड बाय चिरंजीवी फिल्म। केवीवी प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चिरंजीवी's 1987 तेलुगु फिल्म पासीवादी प्रणाम मूव्ड मी अ लॉट। I wanted to rehash it and give it a contemporary touch. I had also learnt about the story of a Pakistani couple who came to India for their daughter's heart surgery because they couldn't afford it in their country. Well, भले ही बजरंगी की कहानी हो इंस्पायर्ड टॉलीवुड मूवी से, लेकिन फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स को इंस्पायर करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है बजरंगी भाईजान। फॉर इलीका श्रीवास्तवा थापा, जूम मुंबई। माना कि सलमान एंड कटरीना डोंट शेयर द बेस्ट ऑफ रैपो दीस डेज, बट टाइम एंड अगेन ये दोनों हमेशा साथ में आ जाते हैं। दे वर सीन एट सम अवार्ड शो टुगेदर और सम पार्टी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बजरंगी भाईजान, जिसकी शूटिंग के दौरान कटरीना हैड गॉन टू विजिट सलमान वेयर ही वाज फिल्मिंग दिस स्पेशल ईद सॉन्ग। रियली, शी वेंट टू मीट हिम? ओह, प्लैनेट बॉलीवुड। फिल्म बजरंगी भाईजान के स्पेशल सॉन्ग आज की पार्टी की शूटिंग के दौरान कटरीना भी थी सेट पर मौजूद, और इस खबर की सच्चाई को बयां किया है फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल प्ले करने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा की मदर काजल मल्होत्रा ने। एक इंटरव्यू के दौरान काजल मल्होत्रा ने बताया कि जब कबीर खान सलमान और करीना के साथ फिल्म का स्पेशल सॉन्ग शूट कर रहे थे उस समय कटरीना सेट पर आई थी, और क्योंकि हर्षाली कटरीना की बड़ी फैन है तो उन्होंने अपनी फेवरेट स्टार कटरीना के साथ कई पिक्स भी क्लिक करवाए थे। वहीं कटरीना के इस सरप्राइज विजिट पर सोर्सेस का कहना है कि भले ही अब सलमान और कटरीना की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग न हो जितनी एक समय पर हुआ करती थी, लेकिन फिल्म एक था टाइगर के बाद कटरीना और डायरेक्टर कबीर खान के बीच टर्म्स काफी अच्छे हो गए हैं। यही कारण है कि जब कटरीना को पता चला कि कबीर सेम विसिनिटी में शूट कर रहे हैं तो वो सीधा उनसे मिलने चली गयी। लेकिन कटरीना का सलमान की फिल्म के सेट पर जाने का एक बड़ा रीजन करीना को भी माना जा सकता है। करीना रणबीर कपूर की कजिन है और इसीलिए कटरीना करीना से भी काफी क्लोज हैं। वेल, यहाँ कटरीना और सलमान के बीच कोई बात हुई या नहीं इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना तो तय है कि जब भी सलमान और कटरीना आमने सामने होते हैं तो खबरें बन ही जाती हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम मुंबई। Who is your favorite from the Khan world? Of course, Zayed Khan. No. Has to be Fardeen Khan. Just. मैं seriously पूछ रही थी, but anyway, क्या तुम्हें पता है Bollywood के एक खान ने एक बहुत बड़ा international project sign किया है? इसमें क्या नई news है यार? Has to be Shahrukh और Aamir, right? ये मैं तुम्हें break के बाद बताऊंगी. So take a break and come right back. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूं तिशे और मैं हूं नशप्रीत, and you're watching the one and only Planet Bollywood, जहां हम Bollywood की हर गॉसिप को करते हैं. Turn on. So tell me, तिशे, when do you think Ranbir and Katrina are gonna get married? मेरी शादी के वादे ऐसे रणबीर कटरीना की पड़ी है. But anyway, break पे जाने से पहले तुम मुझे बताने वाली थी which Khan has signed a Hollywood project. Oh, you're still there. No, I'm here. So please, जल्दी बताओ. Okay, hang on. I'll tell you, but उसके लिए तुम्हें अगली story देखनी पड़ेगी. So show ना. बॉलीवुड के खान वर्ल्ड का एक ऐसा नाम है जिसकी हॉलीवुड में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अपना नाम बना चुके इरफान खान हैज नाउ टेकन हिज वर्क टू अनदर लेवल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इरफान जल्द ही हॉलीवुड के एक पीरियड वॉर ड्रामा में नजर आएंगे, जिसके लिए इरफान ने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इरफान इससे पहले भी लाइफ ऑफ पाई, स्लम डॉग मिलियनेयर और जुरासिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड फिल्म्स के जरिए इंडिया का नाम हॉलीवुड में रोशन कर चुके हैं। उम्मीद है उनका ये जल्द ही आने वाला पीरियड ड्रामा भी लोगों को पसंद आएगा। फहार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। तिशे, नेहा धूपिया को ट्विटर पर काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। फॉर अ वैकी फैशन स्टेटमेंट्स। नो सिली, शी कमेंटेड ऑन द रेन्स इन मुंबई। उसमें क्या है, मैं भी करता हूँ। वेल, इट वाज अ लिटिल पॉलिटिकल, इफ यू नो व्हाट आई मीन। Planet Bollywood.
बॉलीवुड ब्यूटी नेहा धूपिया को पीएम मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना पड़ा महंगा। नेहा धूपिया को झेलना पड़ा मोदी फैंस के हेट मैसेजेस। दरअसल नेहा धूपिया ने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट किया कि वन रेन एंड द सिटी कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, गुड गवर्नेंस इज नॉट अबाउट सेल्फीज एंड मेकिंग अस डू योगा, इट इज मेकिंग श्योर योर सिटीजंस आर सेफ। नेहा के इस पोस्ट के बाद तो जैसे हेट मैसेजेस की बारिश सी हो गई। चर्चा में आने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। शेम शेम, शी वॉन्ट्स टू बी पॉपुलर, गुड ट्रिक से धूपिया। कॉन्टैक्ट योर एरियाज एमपी, एमएलए और मेंबर ऑफ बीएमसी, ये पीएम नहीं करने आएंगे। लाइक इन मूवीज मेकअप का काम डायरेक्टर ना करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस श्रुति सेठ को भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीएम की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए काफी हेट मैसेजेस आए थे, और अब नेहा धूपिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगता है इन सेलिब्रिटीज का इस तरह पॉलिटिकल इश्यूज में खुलकर बोलना पॉलिटिकल फैंस को नागवार गुजर रहा है। तभी तो बी टाउन के इन सेलिब्रिटीज को मिल रहे हैं हेट मैसेजेस। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। Hey, did you hear? Priyanka Chopra is working with an American rapper this time. Oh, really? Mm-hmm. I love the single jo PC ne Pitbull ke saath kiya tha, yaar. Is it going to be something like last time? Baar baar tum mujhe bolte ho na ki details ke liye story dekho. Well, same to you, mister. Watch the story. Okay. Priyanka Chopra seems on a roll. जी हाँ, प्रियंका वैसे तो 6 महीने के लिए अमेरिका चली गई हैं, लेकिन वहाँ जाके भी शी इज इन द न्यूज। द एक्ट्रेस इज बिजी गियरिंग अप फॉर क्वांटिको रिलीज, बट इट इज हर रीसेंट एल्बम विच इज कीपिंग हर बिजी। सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा इज बिजी रिकॉर्डिंग हर सेकंड एल्बम, दैट टू विद एन अमेरिकन रैपर। दो शी कैन नॉट रिवील हिज नेम, वी नो फॉर श्योर दैट इट इज एन अमेरिकन रैपर। इससे पहले भी प्रियंका हैज टीम्ड अप विद पिटबुल फॉर हर एग्जॉटिक एल्बम, एंड आफ्टर दैट वी डिड सी हर इन वन मोर एल्बम। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रियंका के साथ कौन सा ये अमेरिकन रैपर है जो दिखने वाला है। फॉर इलीका श्रीवास्तव थापा, जूम मुंबई। तुमने सोशल मीडिया पर आसिन की स्टेटमेंट सुनी? नहीं, but is she finally going to be active on social media? No, she said she hates selfies. Can you believe that? She said that? Yeah. और क्या बोला? आगे मैं नहीं बता पाऊंगी, स्टोरी देख लो। बॉलीवुड में आजकल सेल्फी का ऑब्सेशन सबके सर चढ़कर बोल रहा है। बॉलीवुड की ज्यादातर एक्ट्रेस अपने पाउट को फ्लॉन्ट करते दिख रही हैं, पर इनमें है एक एक्ट्रेस जिन्हें इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हम बात कर रहे हैं आसिन की। जी हां, आसिन का ये मानना है कि उन्हें सेल्फीज पोस्ट करना काफी नार्सिसिस्ट लगता है और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब वो ट्रैवल भी करती हैं, वो खुद के फोटोज खींचने से ज्यादा दूसरों के साथ पिक्चर्स खिंचवाना प्रेफर करती हैं। सिर्फ यही नहीं, आसिन ने तो ये भी बताया कि वो ट्विटर पर एक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरों की तरह हर वक्त अपडेट्स पोस्ट नहीं कर सकती हैं। फरूदरानी चटराज, जूम मुंबई। Remember recently Dharmendra and Karan Johar spoke about the young Bollywood stars? Yes, and I think Dharamji was quite ruthless. Tum Dharamji ki baat kar rahe ho. Wait till you hear what Anupam Kher has to say about it. Watch. Planet Bollywood. अनुपम खेर पहुंचे अपने टीवी शो के सेकंड सीजन लॉन्च पर, जहां उन्होंने मीडिया के सामने यंग एक्टर्स की जमकर तारीफ। मुझे लगता है आने वाले जितने भी जो हमारे जितने भी कलाकार हैं, सब लंबी दौड़ के कलाकार हैं, बिकॉज सब में प्रोफेशनलिज्म है, सब हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, एक ही फिल्म करते हैं एक वक्त में। साथ ही यहां अनुपम खेर ने कंफर्म किया कि वो MS धोनी पर बन रही फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के डैड का रोल प्ले करेंगे। उसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए मना किया गया है, बस ये है कि मैं हाँ उनका किरदार कर रहा हूँ, धोनी साहब के फादर साहब। फिर यहाँ भी आप एक यंग ब्लड के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। होप यू डोंट फील द कॉम्पिटिशन वाइल वर्किंग विद सुशांत सिंह राजपूत। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। I'm thinking मैं अबू धाबी शिफ्ट हो जाऊं। Great idea. You should go. I'm just kidding. Why do you say that? क्योंकि वहां जाकर मुझे वरुण धवन और जॉन अब्राहम की कंपनी मिलेगी। यार अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? थोड़ा एक्सप्लेन करो। तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तुम स्टोरी देखो। Planet Bollywood.
अब जॉन अब्राहम और वरुण धवन के यूएई फैंस को मिलेगा इन दोनों बॉलीवुड हॉटीज के साथ काम करने का मौका। द डुओ विल सून स्टार्ट शूटिंग इन अबू धाबी फॉर द अपकमिंग फिल्म डिशुम, और इसीलिए यूएई के रेसिडेंट्स के लिए वरुण और जॉन प्रोवाइड करने वाले हैं इंटर्नशिप्स। Yes, you heard it right. Abu Dhabi ke locals ko ab chance milega to work closely with John and Varun as a part of the production crew of Dishoom. Ye sab tab shuru hua when the makers of Dishoom decided to shoot in Abu Dhabi. Aur wahan ke film commission ne film ke makers ko 30% ka rebate diya. And then in return, Dishoom ki team ne wahan ke locals ke liye internship provide karne ka elan kar diya. Fakunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Nash, don't you think today's show was loaded with gossip? और बाहर इतना कमाल का वेदर है, बस चाय पकौड़े की कमी है। Yes, and don't forget Tisha, we have to go for that screening today. Oh yes, अरे यार, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? It's time to wrap up the show, guys. But you guys stay turned on to Zoom, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more updates at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.